सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। हेनरी औरत, मेरे अल्फाज को नहीं, मेरे जज्बात को समझ। गुरु जी। ए रुको, जाओ ना। अंकल, जब आप लोग इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं तो मैं रुक जाता। ये नहीं हो सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं देता। तुम इधर रुक जाओ, ये हो नहीं सकता। और मैं तुम्हारे इधर रुकने दूं, मैं ये होने नहीं देता हूं। अजी, ये तुम अनारकली के पोज में कहीं को बैठे हुए हैं? तुम्हारे बाबा रुक गए ना, वो खुशी में। ओ रियली, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा अब्बू, आपको खाने में क्या दियूं? जहर। क्या बोले? जाहिर सी बात है, अभी चाय पिए खाना नहीं खाते हो? खाता हूँ, जरूर खाता हूँ। बेटे, आप खाने की तैयारी करो। ठीक है, फिर मैं आज आपकी फेवरेट खिचड़ी पकाती हूँ। पकाती कायकू बेटे, बाहर से मंगा लो। होटल रॉयल सी की खिचड़ी बहुत फेमस है। मेरे वास्ते 2 प्लेट मंगाओ और तुम लोगों के वास्ते मंगाते तो मंगाओ, नहीं तो नको। पेट है, गंडी पेट है, 2 प्लेट खिचड़ी खाने के वास्ते, वो भी ये बुढ़ी उम्र में। अजी, क्या सोच रही? जाओ जल्दी जाओ। टाइम हो गया भाई, दोपहर में खिचड़ी नहीं मिलती। टाइम हो गया, अब तुम कुछ तो भी दूसरा पका के दियो अंकल को। मेरे को तो खिचड़ी छोना, होटल में नहीं है तो घर में पका के दियो। ठीक है, पका के दियो। जरा इधर, तुम इधर जी। क्या हुआ जी? तुम्हारे बाबा दिन ब दिन बुढ़े होते जा रहे हैं, बच्चे होते जा रहे हैं, जिद करने के वास्ते में। अरे उन बुढ़े है तो क्या हुआ, दिल तो बच्चा है ना। तो फिर शीशी में दूध डाल के जो पी लेते बैठते हैं ना फिर। अजी, मैं अब भी बोल रही हूँ, हमारे अब्बू के बारे में मजाक न को करो, समझे ना। अरे अरे, तुम्हारी गिर गई क्या जी? अकल। ये छावले मजाक सुधरते रहते हैं आदमी को, क्या होता कि आदमी का। और पापा, खिचड़ी के साथ खट्टा पकाओ। खट्टा नको बेटा, डॉक्टर साहब मना करे। ठीक है, तो खीमा पकाओ। खीमा नको बेटा, दांतों में अटकता। ठीक है, आपकी फेवरेट टमाटे की चटनी पकाती हूँ। नको, टमाटे की चटनी तो बिल्कुल नको, किडनी में पत्थरी है ना। तो कई को फोर्स कर रहे भैया आप अंकल को, उनके किडनी में स्टोन है, तो एक काम करो आप, तहारी पकाओ। मैं नहीं खाता। तुम चुप बैठो जी, जब बोले जब। तहारी तहारी तहारी, गुलबर्गा में तो भी पैदा होना था, वहां 3 वक्त तहारी मिलती। अच्छा तो एक काम करो, बिरयानी पकाओ। मैं नहीं खाता, उससे बदहजमी हो जाती। फुगट मिला तो हल्लक तक खाए तो बदहजमी नहीं तो क्या होती फिर। क्या बोले आप? मैं बोला हाजमे की गोली देता हूँ अंकल मैं आपको। तो फिर ठीक है बेटे, बिरयानी पकाओ। ठीक है, बिरयानी पकाओ, जाओ। इन्हें मेरी बेटी को सता रहा है, अब मैं इसको मजा चका दूं। खाली क्या बैठे हुए हैं? घूर रहे क्या मियां? ये आंखा निकाल के गोटियां खेलता हूं, खाली बैठ के क्या करते? क्या करूं? मेरे पैर दबाओ। दबाओ मियां, पैर दबाओ। अच्छा मियां, ये ताकत आने के वास्ते क्या चीज खाना? दूध, अंडा, बादाम, उबले हुआ चना खाए तो ताकत आती। बोलूंगा आपके वास्ते? मेरे वास्ते नहीं, तुम्हारे वास्ते। हाथों में जानी नहीं है तुम्हारे। जवान बच्चे बोले तो कैसे रहना, दबाए तो पैरा पानी मंगना है, नहीं हो सकता तुम्हारे से। जरा हाथ दबा। उम्र सारी हमारी जवानी में एक बार हमारे नाना पांव दबाओ बोले थे, ऐसा दबाया हूं उनके कुल्ले की हड्डी सड़ गई और घुटने की कटोरी पलट गई। हाँ, इतनी जान थी हमारे हाथों में। अच्छा मियां, ये बच्चों को हंसाने के वास्ते क्या करना पड़ता? क्या करते? गुदगुलियां करे तो बच्चे हंस लेते। अब तुम हाथ दबा रहे तो गुदगुलियां करे, ऐसा ही करा मेरे को। छोड़ो छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहाँ वो तुम्हारा फोन तो दो मेरे को, मैं अर्तुगाल गाजी देखता हूँ। हेलो, ये फोन अनलॉक कर दिया मैं,
डायरेक्ट आप यूट्यूब खोल के देख लो, गैलरी में नक्कोश बराबर जाता हूँ, पूरी गैलरी छान मारूंगा। किसको मालूम बाबा, तुम मेरी बच्ची को क्या धोखा दे रहे हो? देखिए आप मेरी बात सुनिए और समझिए, गैलरी में नक्को जाओ ना तो बात गलत हो जाती। आज बात गलत हो नहीं, मैं तो गैलरी में जाता। Oh, no. अरे इसका पैर कहाँ गया? मामू है हमारे, इनके कुल्ले की हड्डी में दर्द रहता था। बात करेगी, अरे मियां जरा पैर दबा, कुल्ले की हड्डी में दर्द दे रहा। अरे मियां जरा पैर दबा, कुल्ले की हड्डी में दर्द दे रहा बोल के बोलते थे। देख देख के एक दिन इनके कुल्ले में से हड्डी चलक कर दी। नेक्स्ट, इसका हाथ कहाँ गया? निकाल के फेंक दिए। काय को? वो क्या है, इनके हाथ में भी बहुत दर्द रहता था, कितनी भी जोर से दबाए तो अरे मियां दबा रहा गुदगुली कर रहा बोलते थे। मैं बोला काय को भाई, रोज रोज की तकलीफ बोल के उनका हाथ निकाल के फेंक दी। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे इसकी आंख कहाँ गई? इन्हें क्या है, चुप बोल लेते फिरता आते को जाते को। मियां तेरे आंखा निकाल के गोटियां खेलता हूँ, घूर रहा क्या? तेरे आंखा निकाल के अंटे खेल लेता हूँ बोल के बोलता था। एक दिन देख देख के उसके आंख में इसको ड्रायर मार के इसके आंखा निकाल के गोटियां खेल लिया। कौन कौन? अरे जबान पे बोलो कौन? वो मैं करा। काय को? उन लगा भी तुम्हारे जैसा बिन बुलाए मेहमान बन के घर को आए थे, आके ऑर्डर आ दे रहे थे, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता हूँ, घूर रहा क्या? तेरे आंखा निकाल के गोटियां खेल ले तो हाथा दबा पैरा दबा बोल के बोलते थे। हाँ गुदगुलिया हो रहे, चरपटे मार देता हूँ बोल के बड़े बड़े बातें करते थे। अच्छा हुआ मैं चरपटे मारता नहीं बोला, इतना गुस्सा अच्छा नहीं बेटा, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते बेटा। मेरे को वो सब नहीं मालूम चाचा, मेरे को मेहमान दो घंटे से ज्यादा घर में अच्छा नहीं दिखता। मेरे पास तो सिर्फ 15 मिनट बाकी है, नहीं तो मेरे अंदर का अपरिचित जाग जाता। अब मैं कब क्या करता तो मेरे को खुद को नहीं मालूम। और अब की बार मैं किसको तो भी गरम गरम तेल में तलना सोच रहा हूँ। जिनात जिनात जिनात, क्या हुआ जी अबू? दामाद साहब की तबीयत खराब हो रही है, जरा देखो। क्या हुआ जी? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा ही छू मई। क्या हुआ रे बुढ़े, उसको कई को बुलाया? बेटा क्या हुआ जी अबू? बिरयानी पक गई बेटा? नहीं पकी, मगर 20 मिनट में पक जाती। मेरे पास तो सिर्फ 15 मिनट बाकी है, मगर उससे पहले तू पक जाता है रे बुढ़े। बेटा कहा अंकल, बहुत भूख लग रही है आपको? थोड़ी देर में बिरयानी पक जाती पापा, रुक जाओ। मेरे को भूख नहीं लग रही। तो फिर पकाओ के को बुला रे बुढ़े, खा के जा। बेटा 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 बेटा, आ रही हो जी पापा? चावल अधन को आ गया, रुको। बेटा बेटा बेटा, गरम गरम तेलम कोतमीरम पुदीनम हरी मिर्चियम गरम मसाला गरम गरम तेलम बुड्ढा तड़पम चीखम बेटा बेटा चिल्लायम बेटा। क्या हुआ जी अबू? अरे आप कहीं को ऐसा पानी लेके ठहरे हुए ग्लास में, और ये हाथ में पान कहीं को है? अरे अंकल को प्यास लग रही बोले तो पानी दे रहा था, अब पान की फरमाइश कर तो पान बना के दे रहा था। हाँ माशाल्लाह, कितनी अच्छी खिदमत कर रहे हैं आप मेरे अब्बू की। अब्बू देखे कितने अच्छे दामाद मिले आपको। अंकल पानी नको पीले बुढ़े। बस मेरा पेट और दिल दोनों भर गए, अब मैं चाहता हूँ 5 मिनट है। नहीं नहीं रुको रुको अंकल, ऐसा कैसे जा सकते हैं आप? अरे आप, आपकी खिदमत करने का मौका नहीं दिया मेरे को। आप रुको, मैं आपकी पूरी खिदमत करता हूँ, मेरी बात को समझो आप। अब्बू इतना बोल रहे तो रुक जाओ ना, और वैसे भी इन्हें किसी को ऐसा रुकने नहीं बोलते। रुकने का क्या है बेटा, मैं रुकता था, टाइम नहीं है मेरे पास। अब गया तो मैं फिर आ सकता हूँ, अब रुका तो मैं फिर नहीं आ सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे अंकल अब्बू, अंकल अंकल रुको, अंकल मेरी बात सुनो अंकल। अरे अभी बहुत काम है अंकल, अभी आपके हाथा दबाना है, पैरा दबाना है, गला दबाना है अंकल, गोटियां भी खेलना है। अब मेरे दिल को सुकून मिला दे, अब लगती मेरे को प्यास। ठहरो जी पानी लेके आती हूँ। पानी नको, मेरे को खून होना। अजी
ये तुम्हारे दीवाने हरकता या नहीं चलते। पहले इसमें कुंडर होता हूँ, जाओ अंदर बैठो, जाओ। पानम पुदीनम, जाओ जी जाओ। हरी मिर्च कड़वा पानम कंबी भूकम। इन मेरे को डरा रहे, ऐसे 36 अपरिचितों को फिरा फिरा के मारती हूँ और इन मेरे को डराने की कोशिश कर रहे। सारे शैताना जीना और चुड़ैला मेरे को देख के डरते और इन मेरे को डरा रहे। पानी नको खून पी तो, एक करेले का जूस तो पीने आता नहीं, खून पीते कते। देखो उनको, देखो देखो देखो। खून पी तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मालूम ना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और वायरल करो। जैसा रील्स वायरल कर रहे हैं, हमारी वीडियो भी वायरल करो। एंड आप जो ये ब्यूटीफुल कुर्ती देख रहे हैं और ये जो पूरा सेट है, ये एक्चुअली IDH जो है सिटी सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर है, हमको वहाँ से स्पॉन्सर किया हुआ है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, ये वीडियो में जो है सो दामाद क्या करता, ससुर के साथ जरा मिसबिहेव करता, अब आप लगा जो ऐसा कमेंट करेंगे रजाक भाई ये क्या दिखा दे भाई, बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती कर दी आप बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फॉर फन के वास्ते है और ऐसा कुछ नहीं है, दिल पे नक्कल लो आप, फन के वास्ते ये सारी चीज़ें अलग है, तो प्लीज़ इसको पर्सनल नक्कल लो। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स आते, फटाफट जाके उसको फॉलो करो।